लोकसभा चुनाव 2024 के समापन के बाद अब देखिए एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन इस सरकार के गठन के बाद से ही जो स्पीकर बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसमें आपने देखा कि कांग्रेस और जो विपक्षी गठबंधन है किस प्रकार मजबूती से अपना पक्ष भी रखा और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में अब भाजपा को घेरने की तैयारी हो रही है। पूरा एनडीए गठबंधन हालांकि एकजुट दिख रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस हर मुद्दे पर अपनी शक्ति जो है वो दिखाना चाह रही है। इन मुद्दों पर जनता दल यूनाइटेड के MLC हैं खालिद अनवर साहब, इनसे बात करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया रफ्तार मीडिया का। जी, जिस प्रकार से सर देश की राजनीति चल रही है, अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी संपन्न हुआ, नीट का मुद्दा वहाँ भी छाया रहा, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बिहार और खासकर मुख्यमंत्री जी का जो गृह जिला है वहीं से सारे जो है मुखिया हैं, जितने भी सेटर हैं वो निकल रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री की और एनडीए की सरकार कर क्या रही है? देखिए, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी जीत करके आई है, ट्रेजरी बेंच का अपना रोल होता है, अपोजिशन का अपना रोल होता है, और अगर अपोजिशन किसी इशू को उठाती है तो उसको एकदम से नज़रअंदाज कर देना सही नहीं। और अपोजिशन अगर ये समझती है कि हम अपनी ताकत से दबा लेंगे, हाईजेक कर लेंगे पार्लियामेंट को, ये भी सही नहीं है। बदकिस्मती क्या है कांग्रेस पार्टी के साथ कि निगेटिव पॉलिटिक्स में ये पार्टी पड़ गई, और हर इशू पे विरोध करना ये कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर कर देती। मजबूत हुए हैं अभी तो। और कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि उसका रिवाइवल हो तो उसको अपनी पार्टी, अपने आचरण और अपने तरीके में सोचना पड़ेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट को हाईजेक कर ले तो ये देश के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप नीट के इशू को, बच्चों के करियर को अगर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, CBI जांच कर रही है, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। और फलां के गांव का है, फलां के इसका है, अरे मुजरिम कहीं भी होगा, किसी बिल में घुसा होगा, चाहे वो अकबर 24 नंबर अकबर रोड में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, वहां से भी खींच करके हम लोग ले आएंगे। मुजरिम को पहले शनाख्त तो होने दीजिए कहाँ है। तो ये सब यानी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सोचे, उनके थिंक टैंक सोचे कि आपके आचरण से आपकी पार्टी का नुकसान हो रहा है। लेकिन सर कहीं ना कहीं शक्ति का एहसास तो जो है विपक्षी गठबंधन जो है कांग्रेस खासकर आप देखिए पूरे अटैकिंग मोड में भी दिख रही है, तो शक्ति का एहसास तो दिखा ही दिया है आप लोगों ने। शक्ति किसने दी है? कोई ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी ने बहुत जिम ज्वाइन करके ताकतवर हो गए। शक्ति तो जनता ने दिया है ना, और जनता आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर इस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे फिर आप सड़क पे आ जाएंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सदुपयोग कीजिए, देश की रक्षा और सुरक्षा, बच्चों के करियर, नौजवानों के रोज़गार और किसानों के समस्याओं पे बात कीजिए। सैम पित्रोदा को फिर से जो है ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है किसको बनाए। सैम पित्रोदा उनके लिए बहुत बड़े आदमी हैं, चाहे वो भारत की संस्कृति के खिलाफ जितना बोल दें। आपने क्यों हटाया था उनको? ये जो डोयल जो राजनीति है ऐसे थोड़ी होगा। देखिए, लगता नहीं कि जनता को भ्रम करने, क्योंकि वायनाड से जब उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद जब वहाँ पे चुनाव खत्म हो गया तब जाके रायबरेली से उन्होंने पर्चा दाखिल किया, और सैम पित्रोदा वाले मामले में भी देखिए तो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही जो कांग्रेस के कुछ % लीडर्स का जो रवैया है कांग्रेस को डुबाता है। आप चाहते हैं कि आप भी वही हरकतें करना शुरू करें जो क्रिमिनल करते हैं, तो सही नहीं है। और देखिए सैम पित्रोदा के मामले में मैं सैम पित्रोदा जी को जानता हूँ, अच्छे आदमी हैं, और कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे अच्छे लोग हैं जिनकी सोच जो है ना बिल्कुल दूसरे रास्ते पर चलती है। तो हम लोग तो हर तरह की सोच का सम्मान करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी कब सम्मान करेगी, कब लात मारेगी, ये उनसे पूछिए। एक अंतिम सवाल चाहेंगे, बिहार के परिप्रेक्ष्य में है, हालांकि सदन में जिस प्रकार का शपथ ग्रहण के समय तमाम जो लोग हैं अलग अलग बयानबाजियां भी कर रहे हैं, जय फिलिस्तीन का नारा कोई लगा रहा है, पप्पू यादव धमका रहे हैं किरण रिजिजू को, सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये ओछी राजनीति है,
आप पार्लियामेंट में खड़े होकर के, उस पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंट ने इस देश को संविधान दिया, इस देश को एक दिशा दी, वहाँ अगर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो इससे ये समझ में आता है कि आपको न तो संविधान से मतलब है, न पार्लियामेंट की मर्यादाओं का आपको ख्याल है, और न ही देश के 130 करोड़ लोगों के जज्बात का ख्याल है। आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म। चलिए, तो देखिए, ये थे MLC खालिद अनवर। इन्होंने साफ साफ कांग्रेस के बारे में भी कहा, कांग्रेस के आचरण के बारे में भी कहा कि अगर कांग्रेस अपने आचरण जो है, जो जनता ने जो मजबूती दिया है, उसका अगर गलत फ़ायदा उठाती है तो फिर कहीं ना कहीं अंजाम जो होगा वो गलत हो सकता है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो लोग पप्पू यादव हो या फिर और भी जो लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं सदन में, तो ये कहीं ना कहीं सदन का भी अपमान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए रफ्तार मीडिया।